अपने दांतों को दागदार और मोती जैसा सफेद बनाने का सबसे सरल तरीका ध्यान से देखिए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिफाली और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही आसान सिंपल सा घरेलू नुस्खा जिससे आप अपने दांतों के पीलेपन को बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं। हमारे दांतों का पीलापन कई वजहों से होता है, जैसे कि अगर आप स्मोक करते हैं उससे हमारे दांत पीले होते हैं, अगर आपकी लाइक डेंटल हाइजीन पुअर है उससे हमारे दांत पीले होते हैं, जैसे कि अगर आप खाते हैं मीठा खाते हैं कुछ भी खाते हैं, और ना भी अगर आप मीठा खाएं तो भी अगर आप ब्रश नहीं कर रहे 2 टाइम दिन में तो आपके दांतों में कीड़ा लग सकता है, पीलापन हो सकता है। आपके अगर दांतों का इनेमल हट गया है जो कि आपके दांतों की ऊपरी परत होती है जो कि हमारे दांतों को बचाती है प्रॉब्लम से, अगर आपका खान पान ठीक नहीं है, अगर आप खाना पीना जो है आप खाते हैं जो ठीक नहीं है उससे भी हमारे दांत पीले होते हैं, अगर आप स्मोक करते हैं, अगर आप ड्रिंक करते हैं, अगर आप एयरेटेड ड्रिंक्स लेते हैं तो भी आपके दांत पीले होते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स हैं हमारे दांतों का पीला होने का। तो इसको हम कैसे हटा सकते हैं और अपने दांतों को कैसे ठीक रख सकते हैं, कैसे वाइट बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से सिर्फ 3 मिनट में, यही नुस्खा मैं आपके लिए लाई हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा नुस्खा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हैं प्रोडक्ट्स जो हमें लगेंगे इस इजी सी रेमेडी को बनाने के लिए, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ। ये है बेकिंग सोडा, हमें बेकिंग सोडा ही यूज़ करना है, बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ करना है। ये है कोलगेट, हमें चाहिए जो बिना फ्लेवर टूथपेस्ट होते हैं हमें वो यूज़ करना पड़ेगा। तो ये है कोलगेट बिना फ्लेवर टूथपेस्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी लिखा है इनेमल सेफ, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर लिखा है इनेमल सेफ, मतलब कि ये आपकी दांतों की ऊपरी परत को नहीं हटाएगा, वो आपकी सेफ रहेगी। ये मैंने लिया है एक मेरा टूथब्रश, ये है बोल और हाफ लेमन। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ। हम लेंगे 1 स्पून बेकिंग सोडा। इस बेकिंग सोडा में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा टूथपेस्ट। याद रखिएगा हमें फ्लेवर्ड टूथपेस्ट नहीं चाहिए, ये प्लेन टूथपेस्ट है, हमने ये मिक्स करना है इसके अंदर। और हम इसमें स्क्वीज करेंगे हाफ लेमन। तो ये हमने तीनों चीज़ें डाल ली है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। मैंने इसमें डाला है 1 स्पून बेकिंग सोडा, थोड़ा सा टूथपेस्ट और हाफ लेमन मैंने इसमें स्क्वीज किया है। आप इसे अच्छे से मिला लीजिए। फ्रेंड्स आप ये ज़रूर याद कर रखिएगा इसको यूज़ करते हुए कि बेकिंग सोडा हमारी तकलीफ ज़रूर दूर करता है, बट हमारे बेकिंग सोडा का एक्सेस यूज़ भी हमारे दांतों को प्रॉब्लम कर सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें बेकिंग सोडा एक्सेस में नहीं यूज़ करना। आप इसे फर्स्ट वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद से आप इसको सेकेंड वीक से आप इसको सिर्फ दिन में 1 बार यूज़ करिए तो आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी दांतों की स्मेल दूर हो जाएगी, आपके दांतों का पीलापन चला जाएगा, आपके दांतों में कहीं भी डिस्कलरेशन है या स्टेन्स है या कुछ भी ऐसा है वो ठीक हो जाएगा। और ये आपके दांतों को पॉलिश करता है, ऐसा लगता है आप कहीं डेंटल क्लिनिक से कहीं से आप पॉलिश करा के आए हो। तो आप 100% आप इसको ट्राई करिए, आपको इसका इफेक्ट ज़रूर दिखेगा। तो चलिए ये हमारा रेडी हो चुका है, ये कुछ इस फॉर्म में होगा जिससे कि हम ईजिली इसको लगा पाएंगे। तो ये मेरा टूथब्रश है, ये मैंने इसको इसमें डिप किया, ये थोड़ा ज़्यादा बन गया है, मेरे दांत आप देख सकते हैं। मैं यही यूज़ करती हूँ, मैं हफ्ते में दिन में 1 बार करती हूँ और वीकली करती हूँ उसे।
तो मैंने कर लिया है रिंस, आप मेरे दांतों को देख सकते हैं। मेरे भी दांतों में पीलापन था, पर क्योंकि मैं इसे रेगुलर करती हूँ तो मेरे दांतों में काफ़ी फ़र्क पड़ा है और मेरे दांतों का पीलापन बिल्कुल दूर हो चुका है। और आपके दांतों में जर्म्स, बैक्टीरिया, स्मेल, पीलापन ऑफ कोर्स जो मैंने मेंशन किया है, ये सब आपके दांतों की तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी बहुत ही आसानी से, सिर्फ 3 मिनट के इस प्रोसेस से। आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। और हाँ, आपको बहुत ही फ्रेश फील होता है, आपके आपको ऐसा लगता है दांतों का कुछ दांत हल्के हो गए हैं नेचुरली आपके, क्योंकि आपको लगता है कि दांतों की गंदगी चली गई है, जर्म्स चली गए, तो यू फील वेरी रिलैक्स। तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा होम रेमेडी, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करिएगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी आप ज़रूर रेमेडी ट्राई करिए, और अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आई है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही छोटी छोटी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने का, जो कि आपको बहुत ही बहुत मदद करती हैं। और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आती रहेंगी, जो कि आपके लिए हेल्पफुल है। सो थैंक यू सो मच। मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।